गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज चार धाम यात्रा। तो अभी हम इस टाइम हैं बारकोट में। अब बज रहे हैं सुबह के 8। हम लोग फ्रेश व्रेश हो गए हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे गंगोत्री धाम के लिए, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी सब फ्रेंड वगैरह हो रहे हैं, रेडी वगैरह हो रहे हैं, तो उसके बाद हम निकलेंगे। ये यहाँ बारकोट का व्यू है और ये होटल जिसमें हम रुके हैं। ये हम वो रात में हमने ले लिया था, रैंडम से लिए। हम पहुँचे थे यहाँ पे और कोई हमें अवेलेबल नहीं था यहाँ पे होटल वगैरह, तो हमको ये एक दिखा तो उसमें हमने कर लिया। चलिए अब आपसे हम मिलते हैं थोड़ा नाश्ता वाश्ता करने के बाद और फिर निकलेंगे यमुनोत्री यात्रा के लिए। बोल रहे हैं यहाँ से लोग हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने के लिए। तो हमें सबसे पहले जाना है जानकी चट्टी, जहाँ से यमुनोत्री की परिक्रमा स्टार्ट है। परिक्रमा क्या हो, यमुनोत्री की ट्रैक स्टार्ट है। ट्रैक जो है 6 किलोमीटर का ट्रैक है, तो हमको कम से कम 3-4 घंटे का ट्रैक में लगेगा। फिर ऊपर 1-2 घंटे लगेगा, फिर 2-3 घंटे हमें रिटर्न आने में लगेगा। चलिए मिलते हैं आपसे ऊपर। हेलो करो, हम लोग इस टाइम आ गए हैं हनुमान चट्टी। यहाँ से 5-6 किलोमीटर बचा है जानकी चट्टी, फिर वहाँ से हमारी ट्रैक शुरू होगी। यहाँ पर रुके हैं तो इन लोगों ने सोचा तो कुछ खाने के लिए, तो मैगी वगैरह खा रहे हैं हम लोग और ये हिमांश वगैरह फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे लगेगा हमको 10-15 मिनट टाइम लगेगा, खा के पी के निकलेंगे, फिर सीधे जानकी चट्टी पहुँच के अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। फिर आपको मिलते हैं आपके ट्रैक पर। तो हम लोग आ गए हैं इस टाइम जानकी चट्टी पर। यहाँ से ट्रैकिंग होगी स्टार्ट। यहाँ पर हमने करी अपनी गाड़ी पार्क और यहाँ पे आपको अगर घोड़े वगैरह की जरूरत हो तो यहाँ पे सब आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बट हमारी इस टाइम एज सही है, हम आरोप चले जाएंगे, हमें कोई इसकी नीड नहीं है। तो ये देखिए बोर्ड यहाँ पे जानकी चट्टी। यहाँ से यमुनोत्री का पैदल ट्रैक है 6 किलोमीटर का। अभी हमें रास्ता यहीं से ऊपर ट्रैक करना है 6 किलोमीटर, फिर उसके बाद आएगा हमारे यमुनोत्री धाम। तो वहाँ पे हम चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको पूरे रास्ते ट्रैक का अपडेट देते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए।
यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाना चाहता हूँ, जिसे देख के आप खुश हो जाएंगे। ये देखिए जेसीबी खुदाई। इसे देखने के लिए सब लोग खड़े हो गए हैं, जेसीबी खुदाई देखने के लिए। अरे गड़बड़ी हो गई यार, क्या हुआ? घोड़े की फंस गई है। करा गए सही? करा गए सही? ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। यहाँ पर टोकन वगैरह मिलेगा आपको, ऊपर जाने के लिए आ गए तो आप आएंगे तो यहाँ पर पहले आपका टोकन स्कैन होगा, फिर उसके बाद आपको ऊपर जाने की परमिशन मिलेगी। तो हमारा 3 किलोमीटर का ट्रैक ख़त्म हो गया, 3 किलोमीटर बचा है। यहाँ पे हम रुक गए थे बीच में थोड़ा पानी वगैरह पीने के लिए, थकान वगैरह हुई थी थोड़ी बहुत, पर उसमें नीचे या नीचे एकदम इसी में सारे कपड़े निकालने के बाद नीचे होगा वो।
तो थोड़ा पाउच वगैरह ढूंढना है इसमें, बैग। सी द व्यू वैन। यार ये बेलन क्या बेलन के लिए मेरा कुछ रहेगा नीचे फाइनली वी रीच गंगोत्री धाम। यह माँ गंगोत्री का धाम। ये है गर्म पानी का कुंड, उसे सूर्य कुंड कहते हैं। यहाँ पर स्नान करके अच्छा रहता है। माँ यमुना का शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशीमठ, यहाँ पर माँ यमुना जी 6 महीने विराजमान रहती है। माँ यमुना सूर्य पुत्री है, यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। कहा गया कि गंगा च यमुना चेवा समित्र लोग पावनी यथोदर्शन मात्रेणम शिवता इति मानव। यमुना जी सूर्य पुत्री है, यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। जो शीतकालीन प्रवास खरसाली में माँ यमुना जी का दर्शन करता है उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाता है। कहा गया कि प्रयागे कूले यमुना तटे सरस्वती पुण्यम गुहम। तो इस स्थान पर जो भी व्यक्ति माँ यमुना जी का पूजन करता है, दर्शन करता है और स्पर्श करता है उसे यम यातना नहीं मिलती। सूर्यलोके समासदे ब्रह्मलोके में, क्योंकि माँ यमुना जी सूर्य पुत्री है। पहले आप यमुनोत्री का दर्शन करते हैं, फिर आप गंगोत्री जाते हैं ज्ञान।
केदारनाथ में वैराग्य और बद्रीनाथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तरीता इति अनेन तीर्थ, जहां से तरा जाता है उसे तीर्थ कहा जाता है। अब इस यादव हम करते हैं यहीं पे समाप्त। अब मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जहां हम कई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको ये वीडियो अब तक पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो पे नई जगह में।